रूस में मुसाफिर तैयारी का इंजन जोरदार धमाके से फट गया। हादसा उड़ान भरने से कुछ देर कबल पेश आया। 208 मुसाफिर खौफनाक हादसे से बच गए। तैयारा रूस से वियतनाम जा रहा था। मुसाफिर तैयारा रूसी शहर नोवेसी ब्रेक्स से वियतनाम के शहर केम रेंज जा रहा था। एयरपोर्ट से टेक ऑफ से कबल ही जहाज का इंजन फट गया। खुशकिस्मती से इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये खौफनाक हादसा टोलमाशियो नामी एयरपोर्ट पर पेश आया। जहाज में 27 बच्चों समेत 208 मुसाफिर सवार थे। बरतानवी एयरलाइन की तैयारी को वियतनामी शहर केम रेंज पहुँचना था। एयरलाइन तर्जुमान का कहना है कि वाकये के फौरी बाद मुसाफरों को बाहिफाजत तैयारे से निकाल दिया गया, जबकि हिफाजती अमले ने आग पर बरवक्त काबू पाने के बाद तैयारे को मुरम्मती काम के लिए वापस टर्मिनल पर पहुंचा दिया। मुसाफरों को मुतबादल जहाज से वियतनाम रवाना किया गया। जहाज के मुसाफरों का कहना था कि जहाज के उड़ान भरने से कबल ऐसा लगा कि किसी गाड़ी को जबरदस्ती चलाने की कोशिश की जा रही है, और फिर अचानक जोरदार धमाके की आवाज आई। एक मुसाफिर का कहना था कि मैं जहाज की खिड़की की तरफ बैठा था, जहां से आग के शोले बुलंद होते दिखाई दे रहे थे। इस दौरान हर तरफ खामोशी छा चुकी थी और माइक पर कोई अनाउंसमेंट भी नहीं की गई।